اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع الحلم والحكم وبارك وسلم الصلاة والسلام على من كان نبيا وعد مبين ما يبتين اور ایک مرتبہ جوم کر کے پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی الوالہی صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلاتن سلامن علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم موجز سامعین حضرات, کل تو خلیفہ شیخ الاسلام حضرت سید چھوٹے صاحب باپو تھے, بڑی اچھی اور بڑی پیاری باتیں بتا کر کل اپنی تقریر کا اختتام کیا, اور میں نے اس کے آگے ایک بات کو ادھورا چھوڑا تھا. سرکار سیدنا امیر معاویہ جو عظیم صحابی رسول ہیں, ان کی بارگاہ میں ذرہ برابر کی بھی گستاخی اپنی ایمان کو جایا کرنا ہے. سرکار سیدنا امیر معاویہ انہی کا بیٹا یزید, امیر معاویہ کو پیرالیسس ہوا, کچھ دن آپ اسی بیماری میں رہے, اور یزید پلیت نے امیر معاویہ کے انتقال کے بعد اپنی ولی عہدی کا امیر المومنین کی کرسی کا اختیار پا لیا. اب جیسے ہی یزید پلیت کے ہاتھوں میں رسول اللہ کی کرسی آئی تو یزید پہلے دن سے بڑا راجکارنی تھا اور بڑا ہی بدماش, دنیا کے سارے عیب اس میں موجود تھے. تب اس نے سوچا کہ میری اس کرسی کو اگر مجھے سلامت رکھنی ہے تو سب سے پہلے نواسائے رسول کو میرا مرید بنانا ضروری ہے, نمبر دو نواسائے رسول امام حسین کے بعد سب سے پہلے بیعت لینا, مرید بنانا عبداللہ بن زبیر کو ہے, عبداللہ بن زبیر کے بعد حضرت عبداللہ بن ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ابن ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم, کہ ان کے بیٹے کو پہلے مرید بنا لیا جائے. اگر یہ چار پانچ اشخاص, اگر یہ چار پانچ انسان میرے فیور میں آ جاتے ہیں تو پورے حجاز کو اپنا امیر المومنین کہوا لینا یہ بہت بات آسان ہو جائے گی. جیسے ہی اس کے دماغ میں, یزید کے دماغ میں یہ خیال آیا تو اس نے فوری طور پر فاسٹ قاصد گورنر مدینہ ولید بن عقبہ, ولید اس وقت مدینہ شریف کا گورنر تھا, حکم بھیجا کہ آپ ان پانچ لوگوں کی بیعت لے لو اور میرے طرف سے تم ان کی بیعت لے کر انہیں
अपना मुरीद बना लो। अब जैसे ही यजीद पलीत का हुक्म गवर्नर मदीना वलीद बिन उकबा के पास आया, तो वलीद भी ये जानते थे कि इनकी बैत ले लेना इतना आसान नहीं है। तो उसके दरबार में वलीद का एक खास बंदा था, मरवान बिन हकम। इसका मशवरा लिया कि अब क्या किया जाए, क्या करना है। तो मरवान जो था ये बड़ा ही नालायक, ये बड़ा ही बदतमीज, मरवान बिन हकम बड़ा नालायक था। तो उसने मशवरा क्या दिया कि फिलफूर इनको बुलाया जाए, मगर यजीद के इंतकाल की खबर इन्हें पहले ना दी जाए, बल्कि पहले यहां बुलाओ। तो जिस गढ़ ये मैसेज, ये संदेशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सबसे पहले पहुंचाया गया कि आपको वलीद याद कर रहा है, गवर्नर मदीना आपको बुला रहा है। तो उस वक्त इत्तेफाक ये था कि हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और इमाम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ में एक साथ थे। जैसे ही संदेशा आया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, ये मैसेज आया, तो सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अब्दुल्ला, ये वो वक्त है कि गवर्नर मदीना अभी इस वक्त कभी किसी से मिलता नहीं है, और मुझे फिलफूर बुलाया गया है। तो इसका मतलब यह होता है कि मानो ना मानो बात बहुत बड़ी बन चुकी है। हजरत सरकार सैयदना इमाम हुसैन नवासा रसूल हजरत अब्दुल्ला से पूछते हैं कि तुम क्या सोचते हो। कहा, मुझे तो लगता है कि अमीर मुआविया इस फानी दुनिया को छोड़कर कुछ करके चले गए, और यजीद ने अपनी वली अहदी का ऐलान कर दिया है। नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात सुनी तो आप हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर से इरशाद करते हैं, सद्दकत या अब्दुल्ला, अरे अब्दुल्ला तुमने सच कहा, मैं भी यही सोच रहा, मगर अब क्या किया जाए। सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अब्दुल्ला तुम क्या सोचते हो। तो नवासाए रसूल से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर कहते हैं कि मैं तो अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं मिलूंगा, मैं बहाने करता रहूंगा, और मेरा ये मशवरा है आपसे कि आप भी ना जाएं। तो नवासा रसूल और अली का बेटा है, अली वो है मुस्तफा जाने रहमत फरमाए कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबोहा, कि मैं इल्म का शहर हूं तो अली इसका दरवाजा है। तो नवासा रसूल जो अली का बेटा है उसकी सोच कितनी ऊंची होती है। कहा, अगर मैं ना गया तो हो सकता है कि बात बिगड़ जाए, लिहाजा मैं इनको कोई ऐसा मौका नहीं दूंगा कि बात बिगाड़ने में सबसे पहला मेरा नाम आ जाए। कहा, मैं जाऊंगा जरूर, मिलूंगा भी जरूर, मगर मैं अपने खुसूसी खास दोस्तों को साथ लेकर जाऊंगा।
और मैं अपने खुसूसी दोस्तों को कह दूंगा कि अगर मेरी आवाज़ बुलंद होने लगे तो समझ लेना कि मामला अंदर बिगड़ चुका है, आप अंदर तशरीफ ले आना। आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर से ये मशवरा किया और अपने खुसूसी दोस्तों को, साथीदारों को बुला लिया और बिल्कुल तैयारी के साथ गवर्नर मदीना मदीना के पावर हाउस में आप तशरीफ ले जाते हैं। अब उस वक्त मरवान बिन हकम भी वहां मौजूद था। जैसे ही नवासाए रसूल की एंट्री होती है, वलीद बिन उकबा अपने खुर्सी से खड़ा होकर नवासाए रसूल का इस्तकबाल करता है, बड़े ही एहतराम के साथ, बड़े ही अदब के साथ आपको बैठने को कहता है, आप तशरीफ फरमा होते हैं। तो उस वक्त नवासाए रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ऐ वलीद, इस वक्त मुझे बुलाने का मतलब क्या है? तो वलीद बिन उकबा जवाब देते हैं, इसलिए बुलाया गया है कि हमारे अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया इस दुनिया से इंतकाल हो चुके हैं। सरकार सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर अपने गम का, अपने सदमे का इजहार फरमाते हैं। बाद में वलीद कहता है कि दूसरी अहम और ज़रूरी बात यह है कि वलीद ने साथ में ये संदेशा कहलवाया है कि आप यजीद की बैत को अभी और इसी वक्त कबूल फरमा लें। सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इनको क्या सिखाने की ज़रूरत, नवासाए रसूल भी हैं, अली के बेटे भी हैं। फिर फूर आप जवाब देते हैं, बिला तहमुल, बिला सोचे, बिला समझे जवाब देते हैं और जवाब भी इतना प्यारा कि सामने वाला कितना भी दानिशमंद हो, इनके जवाब को सुनकर बड़े से बड़ा अकलमंद भी लाजवाब हो जाए। नवासाए रसूल कहता है कि मुझे आम समझा है, मैं आम लोगों की तरह हूं। ऐ वलीद, तुम मुझे क्या समझते हो, मैं एक आम लोगों की तरह हूं कि मैं इस बंद कमरे में बैठकर कोई देखे ना, कोई जाने ना, कोई माने ना और मैं यजीद की बैत को कबूल कर लूं? ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा करो, नवासाए रसूल हूं मैं, मुस्तफा जाने रहमत का बेटा हूं, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का दुलारा हूं, अगर मेरी बैत लेनी है तो पूरे मदीना को इकट्ठा कर लो और मेरी बैत ले लो। मैं कमरे में नहीं दे सकता और ये मुझे शोभा भी नहीं देता। तो वली समझ गए कि इससे अच्छा तो और क्या हो सकता है, अगर नवासाए रसूल बैत कर लेंगे तो पूरा मदीना एक सेकेंड में बैत कर लेगा। तो आपको ये बात बड़ी अच्छी लगी, वलीद को कहा ठीक है, आप जैसा ही साथ फरमाए, आप जैसा कहें। तो उस वक्त मरवान, वलीद अभी इनको मत निकलने दो, अगर ये निकल गए तो फिर काबू में नहीं आएंगे, फिर काबू में नहीं आएंगे, जरूरत पड़े तो कत्ल कर दो। मगर वलीद बिन उकबा भी उस वक्त ये जवाब देता है, नादान तू क्या समझता है, नवासाए रसूल को मैं कत्ल करूं अपने हाथों से? अरे मदीना की गवर्नरी नहीं, पूरी दुनिया पर हुकूमत भी मुझे मिल जाए तब भी मैं नवासाए रसूल पर अपनी तलवार को कभी ना चलाऊं। ये बड़ा ही अदब और एहतराम करते थे। तो वलीद बिन उकबा ने इनकार कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, और ये जब कह रहे हैं तो कल देख लेंगे। अब जब आप अपने गवर्नर हाउस से निकले अपने घर की तरफ, तो आपके लिए मरहला बड़ा सख्त था कि अगर मैं बैत नहीं करता हूँ तो ये मदीनतु रसूल है, ये रसूल अल्लाह की धरती है, अल्लाह ने
इन हरमों को अमन वाला बनाया है, यहाँ शांति वाला शहर है। हो सकता है कि अगर मैं बैद से इनकार करूँगा तो यकीनन यहाँ पर एक बहुत बड़ी जंग छिड़ जाएगी, लिहाजा नवासाए रसूल ये फैसला करते हैं कि अब बेहतरी इसी में है कि हम मदीनतुर रसूल को छोड़ें, जिसका बचपना मदीने में गुजरा, जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधों पर सवार होकर मदीने की गलियों में टहले हो। इन हुज्जाजों से पूछो, उम्रा करने वालों से पूछो कि मदीना में 7 दिन की हाजिरी नसीब हो जाए और फिर जब मदीना छोड़ने की बात आती है तो बड़े से बड़ा पत्थर दिल भी अपनी आंखों से आंसुओं को बहा देता है। अरे रिवायतों में ये आया, सरकार सैयदना मुहद्दिस आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह जब मदीनतुर रसूल में तशरीफ ले गए थे तो आपको मदीनतुर रसूल का एक कांटा अपने तलवे में चुभा था, हयाते जिंदगानी ही नहीं मरने के बाद भी अपने पैर से निकालना होता। जिसका ऐसा एहतराम हो मदीने के कांटे का तो फिर ये तो मदीने में पले हैं, मदीने में रहे हैं, मदीने में जिसका बचपना गुजरा हो, मदीने में जिसकी जवानी गुजरी हो, उस नवासाए रसूल पर क्या गुजरी होगी। मगर ये अली का शहजादा था, शेरे खुदा का शेर बेटा, जानते थे कि इस धरती को खून रेजी से बचाना है। सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बारगाहे रिसालत माँ फातिमा खातून जन्नत, इमाम हसन और जन्नतुल बकी के जुमला सहाबा की बारगाह में आखिरी सलाम और आखिरी दुरूद पढ़कर मदीनतुर रसूल से हिजरी 60 रजबुल मुरज्जब में, रजब का महीना अल्लाह का महीना, ऐसे अजमत वाले महीने में मुस्तफ़ा के शहर को आखिरी सलाम करके मक्का के लिए रवाना हो जाते हैं। आप मक्कतुल मुकर्रमा में भी जब आप तशरीफ़ लाते हैं, मदीना वालों के लिए ये कयामत से कम दिन नहीं था, क्योंकि नवासाए रसूल हसन वो के चेहरे से पेशानी से लेकर सीने तक मुस्तफ़ा के हम सभी, और हुसैन वो के सीने से लेकर पैर तक मुस्तफ़ा के हम सभी। जहां हसन और हुसैन एक जगह पर जमा हो जाते थे वहां मुस्तफ़ा का जलवा नजर आता था। मदीना वालों के लिए बहुत बड़े गम की बात थी कि आज नवासाए रसूल मदीनतुर रसूल को छोड़ के जा रहा है। बिलाखिर अपने खानदान को, अपने फैमिली को, अपने कुटुंब को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा के लिए रजबुल मुरज्जब में आप तशरीफ ले गए। मक्कतुल मुकर्रमा में जब आप पहुँचे तो कुफा वालों को ये खबर मिल चुकी थी कि नवासाए रसूल मदीना को छोड़कर मक्का की तरफ रवाना हो चुके हैं। तब कुफा वालों ने यहाँ पर ये खत पर खत, कासिद पर कासिद, पोस्टमैन पर पोस्टमैन भेजते रहे मक्के में, यहाँ तक कि जब सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्कतुल मुकर्रमा में तशरीफ़ ले आए तो इतने सारे खत और इतने सारे संदेशे ले लेकर लोग आए थे कि चलो कुफा में, हम तुम्हारी इज्जत करेंगे, हम तुम पर अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे, हम अपना माल अपनी औलाद को ऐ नवासाए रसूल लुटा देंगे, आप कुफा में तशरीफ़ ले आए। तो मौजूद जो सहाबा थे बड़े नवासाए रसूल को मशवरे देते थे कि देखो कूफी लाएतबार कौम है, वहाँ ना अली सलामत रहे ना इमाम हसन सलामत रहे, लिहाजा इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता। मगर नवासाए रसूल कहते हैं कि कल बरोज़े महशर कुफा वाले मुस्तफ़ा के सामने ये कहे थे, हमने तो यजीद का इनकार किया था, हमने तो यजीद का विरोध किया था, मगर
आपके बेटे, आपके नवासे हमारी रहबरी के लिए नहीं आए थे, इनको ये मैदान महशर में कहने का मौका मिल जाएगा, लिहाजा मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उस वक्त मुअज्जज़ सहाबा ने कहा कि ऐसा करो, अपने कुटुंब में से अपना नाइब बनाकर, अपना वकील बनाकर किसी एक को कुफा में भेजो और वहाँ के हालात का जायज़ा लो। वहाँ के हालात का जायज़ा लेकर जब आपको ख़बर मिले कि हालात खुशगवार हैं, तब आप मक्का छोड़कर अब कुफा तशरीफ ले जाएं। तो उस वक्त जब ये बात हुई तो सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला बारगाहे इमाम में आकर अर्ज करते हैं कि आका हुसैन, अगर आप मुझे इजाजत अता फरमाएं तो मैं कुफा जाने के लिए तैयार हूं, मुझे आप अपना नाइब बनाएं, मुझे आप अपना वकील बनाएं। सरकार सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम बिन अकील को इस बात की इजाज़त मुरहम्मत फरमाते हैं, इजाज़त अता फरमाते हैं कि जाएं आप मेरा वकील बनकर मेरी तरफ से कुफा शहर में लोगों की बैत लेना शुरू करें, और वहाँ के अगर हालात अच्छे होते हैं तो आप मुझे फील फूर संदेशा कहलवा दें, मैं आपके जाने के बाद वहाँ तशरीफ ले आऊँगा। ये बातचीत करके सरकार सैयदना इमाम मुस्लिम मक्कतुल मुकर्रमा से कुफा के लिए रवाना हो गए, और अब 10 बज चुके हैं, अपना वक्त ख़त्म हो रहा है। अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा और मेरी ज़िंदगी सलामत रही तो इंशाअल्लाह तारीख़ करबला के ताल्लुक से हम कल आगे की बात को आप हजरात के गोश गुजार करने की कोशिश करेंगे। आप जिस मोहब्बत के साथ आज तशरीफ़ लाए हैं, इसी तरह कल भी आप तमामी हजरात तशरीफ़ लाएँ, और चूँकि ये चौमासे का मौसम है, हो सकता है कि लाइट ना भी हो सकता है बारिश हो, तो देखिए चौमासा है, बारिश तो आएगी, मगर कभी कभी पानी ना बरस कर भी ग़ुलामान हुसैन का इम्तिहान लेता है, और कभी बरस कर भी इम्तिहान लेता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि ऐ बारिश तू करबला में बरस गई होती तो अली असगर की प्यास बुझ जाती, कासिम प्यासे शहीद ना होते, हजरत अब्बास अलमबरदार को वहाँ पानी लेने नहरे फुर्रात पर जाना ना पड़ता, तो बारिश जवाब देती हैं कि मैं भी देख देख कर बरसती हूँ। मैं करबला में इसलिए नहीं बरसी कि वहाँ आका हुसैन का इम्तिहान था, और हिंदुस्तान में भी इसलिए बरस रही हूँ कि ग़ुलामान हुसैन का इम्तिहान। करबला में आका हुसैन कामयाब थे, हिंदुस्तान में आका हुसैन के ग़ुलाम भी इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे। लिहाजा गुजारिश ये है कि बारिश को न देखें, आका हुसैन की मजलिस को देखकर आप हजरात आते रहें। इंशाअल्लाह यहाँ आना बैठना सुनना सुनाना हमारा जाए न जाएगा, इंशाअल्लाह यही कल कब्र में भी काम आएगा, और यही सुनना हमारा आखिरत में भी काम आएगा। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाएं। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, ऐ मेरे मौला के प्यारे नूर की अब किसे सैयद हम तुम्हारे तुम ज्ञान भी सदा या रसूल सलाम या हबीब।
والصلاه والسلام عليك يا رسول الله والصلاه والسلام عليك يا قاسم رسول الله والصلاه والسلام عليك يا زين رسول الله والصلاه والسلام عليك محمد مصطفى ارواحنا فداء صلى الله عليه وسلم يا الله يا رحمان يا رحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين میرے معبود ہم نے ذکر تاریخ کربلا کو بیان کیا ہے اس میں جو بھی چھوٹی بڑی لہن جلی خفی ہے معاف فرما اور اس کا یہ جو بھی ثواب ہے ہم سب غلاموں کی جانب سے آقا علیہ السلام اور جملہ نبیین جملہ رسولین جملہ صحابہ جملہ خلفائے راشدین سرکار کی جملہ ازواج مطہرات رسول اللہ کی جملہ اولاد ان کی ازواج ان کے بیٹے بیٹیاں سرکار ماں فاطمہ خاتون جنت حضرت علی امام حسن حسین اور ان کے جملہ اولاد ان کے جملہ ازواج کی بارگاہ میں ثواب نظر فرمائیں جملہ اولیاء جملہ تابعین تبع تابعین ائمہ مستحقین کل شہداء دستِ کربلا کی بارگاہ میں ثواب نظر فرمائیں یا اللہ بنڈاؤ کے قبرستان میں جتنے مدفون مرحومین ہیں تمام کی ارواحوں کو ثواب نظر فرمائیں خصوصی طور پر میرے مولا مرحوم راٹھوڑ رائے سنگھ مرحومہ مدینہ اور تمام مرحومین مرحوم چوہان بیکھا روپ سنگھ کی روح کو ثواب نظر فرمائیں یا اللہ ان کے صغائر ان کے کبائر ان کے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرمائیں یا اللہ ان کی مغفرت فرمائیں آقا حسین علیہ السلام کی بزم میں حاضر آئے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آنے والوں کی من کی مرادیں پوری فرمائیں بلا بیماری پسیمانی پریشانی سے محفوظ و مامون فرمائیں یا اللہ تیرے محبوبین کا صدقہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں عطا فرمائیں اور پرمار حنیف بھائی بھی اگر نیت لے کر آئے ہیں تو یا اللہ ان کے بھی اخراج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اس کا بہتر بدلہ انہیں دنیا و آخرت میں نصیب فرما اور ان کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرما ان کے درجے بلند فرما مصطفیٰ جان رحمت کا دامن شفاعت نصیب فرما وبارک علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا